हेलो एंड वेलकम टू द यूवी स्पोर्ट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे वन इंडिया इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट मैच के अपडेट्स के बारे में। ओवर टू यू उज्जवल फॉर द अपडेट्स। टॉस जीतकर मेहमानों ने किया बल्लेबाजी का फैसला। अपना 100वां टेस्ट मैच खेल रहे ईशांत ने अपने दूसरे ही ओवर में डॉम सिल्वी को चलता किया। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और स्लिप में रोहित शर्मा ने पकड़ा कैच। डॉम सिल्वी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। नए बल्लेबाज आए जॉनी बेयरस्टो। जैक क्राउली ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। फिर कप्तान कोहली ने बुलाया अक्षर पटेल को और स्पिन के आते ही पहली गेंद पर बेयरस्टो आउट फॉर जीरो। पर दूसरी ओर से जैक क्राउली लगातार अच्छे शॉट्स खेलते रहे और भागते भागते उन्होंने अपना 50 पूरा किया। नए बल्लेबाज और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने अभी खेलना शुरू ही किया था कि अश्विन ने उनकी 17 रनों की छोटी पारी को वहीं रोक दिया। रूट ने LBW के लिए रिव्यू लिया पर रिव्यू भी उन्हें बचा ना सकी। नए बल्लेबाज आए बेन स्टोक्स और आते ही उन्होंने गेंदबाज के ऊपर से करारा शॉट खेला। अगले ही ओवर में जमे और सधे हुए क्राउली को अक्षर ने चलता किया। नए बल्लेबाज आए ओली पोप और समय हो गया एक टी ब्रेक का। पहले सेशन में इंग्लैंड 81 पे 4। चाय के बाद आते ही अश्विन की सीधी जाती गेंद पे पोप की गिल्लियां बिखर गई। अक्षर कहां पीछे रहने वाले थे। अगले ही ओवर में उन्होंने बेन स्टोक्स का महत्वपूर्ण विकेट लेके इंग्लैंड की बैटिंग ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अक्षर पटेल ने अपने नाम किए कुल 6 विकेट। भारत की पारी की शुरुआत थोड़ी धीमी हुई। रोहित और सुभमान ने डिनर के बाद कुछ कमाल के शॉट्स लगाए पर उसी बीच सुभमान ने अपना विकेट गंवा दिया। पुजारा आते ही बिना खाता खोले लीच की सीधी जाती गेंद पे अपना विकेट गंवा बैठे। दूसरी ओर रोहित हिटमैन शर्मा ने आर्चर के शॉर्ट पिच गेंदों पे कुछ करारे शॉट्स लगाए और पहुंच गए अपने 50 की ओर। इस छोर से कप्तान कोहली ने भी उनका अच्छा साथ निभाया। एंडरसन की गेंद पे कोहली को एक जीवनदान भी मिला पर लीच के अगले ही ओवर में कप्तान कोहली की एक और पारी शतक के बिना ही खत्म हो गई। पहले दिन के खेल के अंत तक भारत ने खोए कुल 3 विकेट 99 की स्कोर पे। रहाणे और रोहित अभी भी हैं क्रीज पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल UV स्पोर्ट्स फॉर द मैच अपडेट्स।